अफवाह फैल रही थी कि ये पहले से फिक्स था या फिर ऐसा था, तो क्या ये सच्चाई है? हमें उसकी शक्ल भी पता नहीं, अगर यहाँ आ जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे कौन है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, कोई एपिसोड नहीं देखा, हम बिग बॉस देखते ही नहीं हैं। हमसे खेलने गए थे, डेढ़ महीने हमने हॉलीडे किया, पेड हॉलीडे, और आगे फिर बुलाएंगे, फिर चले जाएंगे पेड हॉलीडे के लिए। सर इस बार ऑस्कर अवार्ड के लिए गली बॉय को भेजा गया था, पर सर नॉमिनेशन में अच्छा फेल हो गई सर। लेकिन अच्छा सोचा था, वो फिल्म इस योग है कि वहाँ भेजी जाए, बाकी फेल हो पास हो तो अलग बात होती है, लेकिन खुशी की बात है कि उसका चयन हुआ। सर क्या क्या आपको क्या लगता है कि मूवी में क्या कमी रही, क्या इंडियन मूवी में क्या कमी रही? देखिए ऐसा होता है कि एक फिल्म थोड़ी आती है, फिल्म तो सारी दुनिया से उसमें आती है। अब उसमें जो दूसरी फिल्में आई होंगी वो इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी कि ये पीछे रह गई, इतनी सी बात। सर आपने जो नॉर्थ कोरियन की पैरासाइट मूवी थी उसका ऑस्कर में बेस्ट मूवी अवार्ड मिला है। देखिए अवार्ड तब मिलता है जब सब फिल्मों से अच्छी निकलती है, सारे संसार का है ये टेस्ट, ये सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड नहीं है, सारा संसार, तो उसमें जो अच्छा है उसको मिलेगा। ओके सर, आपकी कोई रिजोल्यूशन से कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ मैं कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें पेश करने वाला बहुत जल्दी, जिसमें एक फिल्म है सत्य साईं बाबा, इसमें मैंने सत्य साईं बाबा का रोल किया है, अब वो फिल्म रिलीज़ करेंगे। अभी ये गन्स ऑफ बनारस आप देख रहे हैं, अभी दो हफ्ते पहले काचली हमने रिलीज़ की थी, इसी तरह से चार पाँच फिल्में और हैं, धीरे धीरे आप उसको देखेंगे उसका मजा लेंगे। गन्स ऑफ बनारस की मूवी रिलीज होने वाली, ऑडियंस क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, आपने इस बीच गन्स ऑफ वासीपुर और क्या क्या ये सब देखा था ना, तो आपको मज़ा आ गया था, उसी टाइप की है। थैंक यू।